वाघा बॉर्डर से किसानों का एक जत्था सिंघू बॉर्डर पाया हुआ है। इस जत्थे में 8 से 10 लोग शामिल हैं। वहीं किसानों ने कहा कि जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे। देखिए वाघा बॉर्डर से आए किसानों के जत्थों का क्या कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले ले चलते सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र सिंह तोमर की। फिर कृषक का मूल्य आश्वासन एक्ट के अंतर्गत कृषक और प्रोसेसर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, तो उनको लगता था कि ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो हम लोगों को इस पर भी कोई आपत्ति नहीं थी और हमने उनको कहा कि भाई राज्य सरकारों को ये अधिकार देते हैं और जब तक राज्य सरकार रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था नहीं बना पाती है तब तक कोई एग्रीमेंट होगा तो लिखित में उसकी प्रतिलिपि हस्ताक्षर होने के 30 दिन के भीतर SDM कार्यालय में जमा करना पड़ेगी, जिससे वो दस्तावेज सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहे। फिर वो एक बात ये भी आती है बड़ा जोर शोर से और मीडिया के सामने भी कहा जाता है कई बार कि किसानों की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफ़ी लंबे समय से गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में, अनेक कर्नाटक में, अनेक राज्यों में चल रही है। अभी तक कभी ऐसा अनुभव आया नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने इसका प्रबंध पहले से एक्ट में कर रखा था। कानून में ये प्रावधान किया गया है कि इस कानून के अंतर्गत जो एग्रीमेंट होगा वो प्रोसेसर और किसान की फसल के बीच में ही होगा। किसान की भूमि से संबंधित कोई लीज, पट्टा, करार ऐसा कुछ भी इसमें हो नहीं सकता। दूसरा, हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर दोनों लोग करार करते हैं और फसल का प्रकार ऐसा है कि किसी भी प्रकार की अधोसंरचना खेत पर खड़ी करने की नौबत आती है, तो ऐसी स्थिति में जब करार समाप्त होगा तो जो प्रोसेसर है अपनी संरचना को वहाँ से उठा के ले जाएगा और अगर वो तोड़ के नहीं ले जाता है तो उसका स्वामी जो है वो कृषक ही होगा। ये प्रावधान हमने पहले से कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी उनके मन में ये शंका थी कि अगर किसी प्रोसेसर ने उस अधोसंरचना पर कोई लोन ले रखा होगा तो वो निकल जाएगा और वो लोन किसान के ऊपर आएगा, तो ऐसी स्थिति में किसान को वो लोन पटाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा कि ये हम प्रावधान करने को तैयार हैं कि अगर स्पॉन्सर किसी प्रकार का लोन लेने की चेष्टा उस अधोसंरचना पर नहीं करेगा तो इससे उनकी इस शंका का भी समाधान हो सकता है। दूसरा, वो किसान की भूमि पर कुर्की की व्यवस्था की बात वो लोग बोलते थे कि कुर्क हो जाएगी और नीलाम कर दी जाएगी, तो पहले से ही प्रावधान है, इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो वो स्पष्टीकरण का वो भी हम स्पष्टीकरण देंगे। दूसरा, सामान्य तौर पर MSP की खरीद के मामले में उन सबके मन में ये बात आती थी कि भाई MSP पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि MSP चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। MSP की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय MSP घोषित कर दी है। MSP को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है, खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और MSP से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और MSP के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं, हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। फिर एक बिजली वाला विषय था, उनको ऐसा लगता है कि बिजली का कोई एक्ट आ रहा है वो किसानों के लिए थोड़ा तकलीफ पैदा करेगा, तो इस मामले में भी हम लोगों ने
बहुत स्पष्टता से उन्हें कहा कि राज्य सरकारें बिजली वितरण कंपनियों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही सब्सिडी की राशि हस्तांतरित करने की व्यवस्था संशोधन विधेयक में भी रहेगी। इस प्रकार से वर्तमान व्यवस्था में किसानों के संबंध में जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ NCR ऑर्डिनेंस में ये अभी जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें पराली वाले किसानों के लिए भी प्रावधान है, तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई हम इससे सहमत हैं और निश्चित रूप से इसका समाधान हम करेंगे। और इस दृष्टि से हम लोगों ने एक पूरा प्रपोजल बनाकर उनको कल दिया, उन लोगों ने विचार विमर्श भी किया और फिर भी कुल मिला के उनके सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफ़ी कष्ट है क्योंकि किसानों का विषय है और किसान ठंड में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोविड का संकट भी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में भी रात दिन चिंता रहती है।